नमस्कार दोस्तों, भारतीय साहित्य में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं हिंदी निबंध का, ये है जो अज्ञेय के साथ जानकी वल्लभ शास्त्री, ठीक है। ये यूट्यूब पे कहीं इसका बहुत ही कम मेटेरियल उपलब्ध है इसका, तो हमें बहुत ही मुश्किल से मिला ये, ठीक है। तो हम अगर आपको अगर ये समझ में नहीं आता जो निबंध में ये इम्पोर्टेंट भी अज्ञेय का है क्योंकि ये, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं, इससे पहले हमारे भारतीय साहित्य को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम वीडियो आपको ऐसी मिलती रहे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है ये। अज्ञेय के साथ जानकी वल्लभ शास्त्री के रचनात्मक साहित्य का विपुल विस्तार है। वह अपने विस्तार में रविंद्रनाथ टैगोर की तरह हर विधा में है। उनके 18 काव्य संग्रह हिंदी में है। राधा विपुल आकार का भावबंध है। उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का संग्रह उत्तम पुरुष नाम से है। उनके 3 काव्य नाटक और 4 कटानी संग्रह हैं। 5 उनके उपन्यास हैं, जिनमें अंतिम उपन्यास चाणक्य कदाचित अधूरा है। 7 नाटक उनके प्रकाशित हैं। आलोचना की 5 पुस्तकें हैं और आलोचना की 2 पुस्तकें उन्होंने संपादित की हैं। ललित निबंध के 2 संग्रह हैं और संस्मरण आदि की 8 पुस्तकें, उनके 4 कविता संग्रह संस्कृत में भी हैं। उनका पहला संकलन काकली है, यानी कुल 60 प्रकाशित पुस्तकें। राका और बेला नाम की 2 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया है। जब रचनाकार अतीत की स्मृतियों में, बताते आपको कि ये संस्मरण है, ये अज्ञेय का संस्मरण है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये संस्मरण है। जब रचनाकार अतीत की स्मृतियों में से कुछ स्मृति चित्रों को अपने व्यक्तित्व की विशिष्टताओं से विशेष बनाकर यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है, तब संस्मरण का जन्म होता है। संस्मरण में जो लेखक देखता है, अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है, इतिहासकार की तरह विवरण प्रस्तुत नहीं करता। लेखक पाठक पर एक छाप डालना चाहता है। संस्मरण प्राय प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते हैं, इसलिए इनमें व्याप्त की विशेषताओं या गुणों पर ही जोर रहता है, क्योंकि संस्मरण प्रभावित होने की अवस्था में ही लिखे जाते हैं। जाहिर है, कोई भी लेखक या अन्य व्यक्ति जब अपने आत्मकथात्मक संस्मरण लिखता है तो वह अपने व्यक्तिगत पक्ष ही प्रस्तुत कर पाता है। वह शास्त्री जी ने किया है। वैसे तो इस संस्मरण में मुख्य चरित्र नायक अज्ञेय ही रहे हैं, लेकिन आत्मकथात्मक होने के कारण अन्य कई रचनाकारों के प्रसंग भी स्थान स्थान पर आए हैं। अज्ञेय पर लिखित समय शास्त्री जी को दूरस्थ अतीत से लेकर वर्तमान तक की मनांस यात्रा करनी पड़ी है। यह अज्ञेय के जीवन का महिमा गायन नहीं है, अपितु जीवन मर्गी साक्षात्कार है। संस्मरण में शास्त्री जी ने प्रारंभ से ही अज्ञेय के प्रति अपने आकर्षण को रेखांकित किया है। इस आकर्षण का पहला कारण सबसे पहले ही अजब सा नाम सांप की आँख की तरह अपनी ओर खींचने वाला है। इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं हरी घास पर क्षण भर और इत्यलग में अभिव्यक्ति का नयापन है। छुटपुट मुलाकातों और उड़ती उड़ती सी बातों ने उनके तेजस्वी व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बना दिया था। वे लिखते हैं, एक अपरिचित चरित्र समकालीन वार्ता के पक्ष पर खड़े अक्षयवर की प्रक्रिया करना लक्ष्य था मेरा। शास्त्री जी के मन में कोमल राग संबंधों की भावनात्मक प्रगाढ़ता, आत्मीय स्मृतियों का व्यापक प्रसार, या सब कुछ बहुत जीवंत रूप में इस संस्मरण में प्रस्तुत हुआ है। अज्ञेय के विषय में लिखते हुए वे कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इलियट के दरफिस्त अंदाज में ही अज्ञेय ने हिंदी कविता के क्षेत्र में बेखौफ कदम रखा था। ढल ढल उछल भावुकता को अति शीतल शब्दों की रूपटली धूप में सुखाता, अनावश्यक विस्तार का अनिवार्य परिहार कर रचना के दायित्व पर निःशब्द दबाव डालता हुआ। शास्त्री जी के व्यक्तित्व में जिस तरह कालिदास और निराला जीवित रहे, उसी तरह आने वाली पीढ़ियों की रचनार्थ में भी उनको उपस्थिति का अनुभव यह अज्ञेय के माध्यम से होता है। अज्ञेय की तुलना वे निराला से करते हैं। निराला को भी वे ट्रेडिशनल नहीं मानते। उनके काव्य के लक्ष्य और शिल्प को एक हद तक अनकन्वेंशनल कहते हैं, लेकिन अज्ञेय के इस नए टटकापन तीखा की अलग स्थिति का विश्लेषण करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शास्त्रीय दोषों से सर्वथा मुक्त गुणों की रचना, मुक्त गुणों की खान, रसोभावों भरी अलंकार संसार से अंतर्दृष्टि में चौथा पैदा करने वाली और कानों में अमृत उड़ेलने वाली वर्णावली सहसा इस ठेठ वस्तु और शिल्प की टटकापन न मुठला सकी।
शास्त्री जी का स्पष्ट विचार है कि कालिदास भवभूति या त्रिहर्ष से ऐसा कुछ अछूता रह गया था जो अज्ञेय के विद्रोह वैचारिक स्तर पर भी चित्त को चमत्कित करता था। तो बाकी मैं यहाँ तक नहीं पढ़ता, आगे आप पढ़ लेना, एक पेज रह गया है, ये बस एक पेज रह गया है, ठीक है। तो इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा है किताब से, तो बहुत ही अच्छा है ये किताब में, इतना हार्ड दे रखा है जबकि यहाँ पर थोड़ा तो बहुत आसानी हुई है पढ़ने में, ठीक है। तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ऐसे तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे भारतीय साहित्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए तमाम वीडियो लाते रहते हैं। तो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।